आजम खान को जेल भेजने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। क्योंकि मामला न्यायालय में है और माननीय न्यायालय ने जो विधिक प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्रवाई की होगी। आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार न्याय का शासन, कानून का राज स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है और इसमें कोर्ट कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखता। जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो दस्तावेजों के आधार पर होती है, पत्रावलियों के आधार पर होती है। आजम की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से खुद के लिए थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार की राजनीति थी, गरीबों के शोषण की राजनीति थी। आज माननीय जिला और सत्र न्यायालय ने वहाँ ये निर्णय दिया, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको जेल भेजाएं। अखिलेश यादव इस पर जवाब दें कि उनके पास में किस तरीके के लोगों की राजनीति है, किस तरीके के लोगों के साथ वो राजनीति करते हैं, और आज के निर्णय का हम भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हैं। आजम साहब को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जब से सरकार आई है लगातार आजम साहब को अपमानित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनको उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगवाया है, जानबूझ करके आरोप लगाया है कि आजम साहब की छवि को खराब किया जाए। लेकिन आजम साहब कानून को मानने वाले नेता हैं, इसलिए उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए आज जो वहां पर हाजिर हुए हैं, निश्चित रूप से वो कानून मानी आजम साहब को न्याय देगा, यह हमें पूरा भरोसा है।